हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो जो भी यूट्यूब पे काम करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं, एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, तो सभी सोचते हैं, सभी के मन में होता है कि मेरे भी यूट्यूब वीडियोज पे व्यूज आए, व्यूज बढ़े और मैं भी यूट्यूब से अर्निंग करूं। लेकिन जब उनके यूट्यूब वीडियोज पे व्यूज नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत व्यूज आते हैं लेकिन बढ़ते नहीं है, जिससे उनका चैनल ग्रो नहीं हो पाता है और उनका चैनल मोनिटाइज भी नहीं होता है, और कुछ लोगों का यूट्यूब चैनल किसी तरह मोनेटाइज भी हो जाता है, तो जब उनके यूट्यूब वीडियोज पे व्यूज नहीं आते हैं, फिर वो यूट्यूब से अर्निंग नहीं कर पाते और फिर उनका मोरल काफी डाउन हो जाता है और उन्हें यूट्यूब पे काम करने का मन नहीं करता है। तो यदि आपके यूट्यूब वीडियोज पे भी व्यूज नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत आते हैं लेकिन व्यूज बढ़ते नहीं है, तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं वो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो अब आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे और वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड्स, तो जब हम अपने YouTube चैनल पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं, तो वीडियो अपलोड करने के बाद भी हमें उस वीडियो में बहुत कुछ करना पड़ता है, तो उसी में से एक है एंड स्क्रीन। तो जब हम अपने YouTube चैनल पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बाद उस वीडियो में हमें एंड स्क्रीन लगाना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी होता है। एंड स्क्रीन लगाने से एक वीडियो की मदद से आपके दूसरे वीडियो पे व्यूज इंक्रीज होंगे, व्यूज बढ़ेंगे। तो आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने YouTube चैनल पे अपलोड किए हुए वीडियो में एंड स्क्रीन कैसे लगा पाएंगे, वो भी बिल्कुल इजी स्टेप में। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए हुए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप इसे अच्छी तरह समझ पाएंगे, देन आप इसे यूज कर पाएंगे। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने अपने यूट्यूब ब्लॉग चैनल ओपन किया हूं। तो मैं यहां इस वीडियो को प्ले करता हूं, देन लास्ट में चलिए। तो यहाँ वीडियो एंड होने से पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में किसी दूसरे वीडियो का थंबनेल शो हो रहा है और राइट साइड में चैनल का लोगो शो हो रहा है। तो मैंने अपने ब्लॉग चैनल के इस वीडियो में दो एंड स्क्रीन लगाया है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इससे होगा ये कि जो भी ऑडियंस मेरे इस वीडियो को वॉच करेंगे, तो उन्हें वीडियो एंड होने से पहले एंड स्क्रीन दिखाई देगा। तो उन्हें जो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में दूसरे वीडियो का थंबनेल दिखाई देगा, तो यदि उनका मन हुआ तो वहां पे क्लिक करके दूसरे वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, और यदि चैनल के लोगों पे क्लिक करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, आगे आप भी इस तरह कर सकते हैं, अपने एक वीडियो की मदद से दूसरे वीडियो पे व्यूज ला सकते हैं। तो आखिर इसको आप करेंगे कैसे, तो आगे आप जानते हैं कि आप अपने यूट्यूब के किसी वीडियो में एंड स्क्रीन कैसे लगा पाएंगे। तो उसके लिए फर्स्टली हमें क्रोम ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया हूं। यहाँ पे आपने अपने यूट्यूब चैनल को लॉगिन कर लेना है, देन डेस्कटॉप साइट को ऑन कर देना है, उसके बाद योर चैनल में चलना है, देन कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में काफी ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपने कॉन्टेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूं। कॉन्टेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपके चैनल पे अपलोडेड सारे वीडियो शो होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे चैनल पे जितने वीडियो अपलोड हैं सभी शो हो रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियो जो भी है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो पहले वीडियो अपलोड किए हैं वो नीचे शो होगा और जो लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो है वो ऊपर शो होगा। जो मैं सबसे लास्ट में वीडियो अपलोड किया हूँ, जो लेटेस्ट वीडियो है वो देखिए सबसे ऊपर शो हो रहा है। तो मैं इस वीडियो को ओपन करता हूँ, देन इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। देन यहाँ पे देखिए राइट साइड में भी कई ऑप्शन हैं, तो इसमें से एक ऑप्शन है एंड स्क्रीन का, तो इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूं। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए प्लस एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूं। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन हो रहे हैं, वीडियो, प्लेलिस्ट, सब्सक्राइब, चैनल लिंक, तो इतने सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो इस तरह से इसको यूज करके आप अपने YouTube वीडियो में एंड स्क्रीन लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूं, तो देखिए वीडियो यहाँ पे शो हो रहा है। हमें जो वीडियो सेलेक्ट करना है वो वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ स्क्रीन पे इस वीडियो का थंबनेल शो हो रहा है। देन प्लस एलिमेंट के ऊपर दोबारा क्लिक करना है, तो फिर से वो ऑप्शन शो होगा। तो इस बार मैं सब्सक्राइब को सेलेक्ट करता हूं, तो देखिए स्क्रीन पे चैनल का लोगो शो हो रहा है, स्क्रीन पे चैनल का लोगो आ गया। तो अब इस वीडियो के एंड स्क्रीन में एक दूसरे वीडियो का थंबनेल और चैनल का लोगो शो हो रहा है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप भी अपने चैनल के
किसी भी वीडियो में एंड स्क्रीन ऐड कर सकते हैं, एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। तो एंड स्क्रीन आपने जो भी ऐड करना है उसे जब ऐड कर लेते हैं तो नीचे से आप टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं। देन ऊपर देखिए सेव का ऑप्शन है, उसके बाद आपने सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपका एंड स्क्रीन जो भी इस वीडियो में ऐड किए हैं वो सेव हो जाएगा। फिर जब भी कोई ऑडियंस आपके इस वीडियो को वॉच करेंगे तो वीडियो एंड होने से पहले उन्हें एंड स्क्रीन दिखाई देगा, जिसको देखने के बाद ऑडियंस आपके दूसरे वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, आपके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके एक वीडियो के माध्यम से दूसरे वीडियो पे भी व्यूज इंक्रीज हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, आपके सब्सक्राइबर भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल के किसी भी वीडियो में एंड स्क्रीन लगा करके एक वीडियो से दूसरे वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री और खुद से। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया, आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे ये वीडियो आपको कैसा लगा पक्का कमेंट कीजिएगा, और यदि थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो फर्स्ट बार ज्वाइन किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब इस वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।